फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोगों को स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं आपको मेजरमेंट बताता जा रहा हूँ, आपको बहुत केयरफुली सुनने हैं। और 8 सेंटीमीटर का जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो आपको लाइन ड्रॉ करना है। फिर आपको 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करना है इससे, और सेम साइज का 8 सेंटीमीटर का एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। बिल्कुल देखिए, दोनों लाइन एक एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसकी हेल्प से हम लोग जो इसका वैक्यूम ट्यूब रहता है वो बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। अब आपको इसके दोनों एंड्स को क्लोज कर देना है सेमी सर्कल की हेल्प से। आप फ्री हैंड इसे ड्रॉ करें तो बेटर रहेगा। अब मैंने ये क्लोज कर दिया है बोथ हैंड्स को। ये करने के बाद आपको इसके मिडल से, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, उसके मिडल से बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पर 1/2 सेंटीमीटर का यहाँ से, और दूसरे साइड से भी 0.5 सेंटीमीटर का एक एक लाइन ड्रॉ करना है, ताकि आप लोग इसमें प्लेट ड्रॉ कर पाएं जैसी मैं कर रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दी। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया था कि आप मेरे साथ इसे ड्रॉ कर पाएं। तो ये मैंने शेडिंग कर ली। सेम आप लोगों को यहाँ पर इसे भी करना है दूसरे साइड पर। अगर आपने अभी तक इस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजिए। ये बहुत सिंपल है और मैं आपको सिंपल स्टेप से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इतना ड्रॉ कर लेने के बाद अब आप लोगों को ऊपर से यहाँ पर, ये ऊपर का सेक्शन लाइट रे यहाँ से एंटर करेगी, इसलिए आपको यहाँ से इरेज कर लेना है थोड़ा सा पार्ट। तो मैंने इरेज कर लिया है। अब इसे लाइट रे को यहाँ पर एंटर करते हुए आपको रिप्रेजेंट करना है स्केल की हेल्प से। तो ये मैंने ड्रॉ कर ली। अब बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन को हम दोबारा से रीड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इतना करने के बाद अब आप लोगों को नीचे का सेक्शन ड्रॉ करना है, नीचे का पूरा कनेक्शन। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा इसे इंक्रीज करना है बोथ साइड से, फिर उसके बाद नीचे की तरफ इसे ले जाना है। देखिए नीचे यहाँ पर, अभी इन्हें मैं यहाँ पर ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि आपको इसे कर्व रखना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी आप स्पेस लीव कर दीजिएगा जैसे मैंने किया। देखिए दोनों लाइन्स ज्वाइन नहीं है अभी। और यहाँ से आप लोग एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिसके बीच में आप मीटर के लिए स्पेस लीव कर दीजिएगा। मैं इरेज कर लूंगा बाद में, मैंने लीव नहीं किया है। तो देखिए आपको दोनों एंड्स को कर देना यहाँ से कर्व। एक बार मैं इरेज करके प्रॉपरली कर्व कर देता हूँ दोनों साइड। तो देखिए मैंने दोनों सेक्शंस कर लिए। अब आपको यहाँ पर इरेज करना है मीटर के लिए। तो ये हमारा इरेज हो चुका है। अब आपको यूज करना है राउंडर। राउंडर को बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल छोटा कर लेना है इसका रेडियस। फिर उसके बाद आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ताकि ज़्यादा बड़ा सर्कल ड्रॉ ना हो। ये मैंने ड्रॉ कर लिया इसका मीटर। अब इसमें मैं वी लिख देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सिंबल। अभी हम नीचे एमीटर भी ड्रॉ करेंगे। तो उसके पहले आपको नीचे यहाँ पर वैक्यूम फ्लास्क के अंदर आपको ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह के एरो, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट। और टर्मिनल भी दोनों साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको नीचे ड्रॉ करनी है सेम लाइन। बीच में आप डिस्टेंस रखिएगा, ताकि आप कर्व मैनर में दोनों को कनेक्ट कर पाएं। इसलिए मैं डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करता हूँ किसी भी सेक्शन को। अब यहाँ से देखिए कर्व करते हुए, यहाँ से भी कर्व मैं कर लेता हूँ। सारे सर्किट्स के एंड्स को मैंने कर्व रखा है, ताकि डायग्राम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मैंने और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें हम लिख देंगे आर। मैं एंड में सभी पार्ट्स के नेम लेबलिंग में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। और लेबलिंग मैंने एंड में की हुई है, फुली लेबल्ड डायग्राम है ये। अब इससे इसे आपको कनेक्ट कर देना है इससे, और नीचे से आपको सर्किट ले जाना है। बीच में आपको दो स्पेस लीव करने हैं, एक हम लीव करेंगे बैटरी के लिए और सेकंड वन है एमीटर के लिए। इससे हम इरेज करके दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बैटरी सिंबल। आप सिंपली ड्रॉ कर दीजिए इसका। और जो दूसरी साइड हमने यहाँ पर छोड़ा है पोर्शन, उसमें हम ड्रॉ करेंगे एमीटर। पहले हम कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को। इसे भी आपको कर्व रखना है एंड को। अब यहाँ पर आपको सेम राउंडर का यूज करके कंपास की हेल्प से आप लोगों को ड्रॉ करना है एक सर्कल।
और इसके अंदर जैसे हमने ऊपर ए वी ड्रॉ किया था, इसके अंदर हम ए ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये एमीटर है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कंपास की हेल्प से। अब इसके अंदर हम ड्रॉ कर देंगे ए। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमने ऑलमोस्ट डायग्राम को ड्रॉ कर लिया कंप्लीट। अब आप लोगों को फर्दर मैं लेबलिंग करके दिखा देता हूँ। आप लोगों का अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देन आफ्टर गाइस ये हमारा लेबलिंग डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने साथ साथ बल वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।